हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज देखेंगे। आइए देखते हैं वो प्री डिफाइंड फंक्शन है क्या और उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पाइथन की आईडी ओपन करते हैं आइडियली। ठीक है, जिसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पर न्यू फाइल हम ले लेंगे और यहीं पर कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोडिंग यहीं पर होगी हमारी। तो यहाँ पर वो कोड मैं टाइप कर देता हूँ, लिख देता हूँ जिस कोड की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राउंड फंक्शन की। और यहाँ पर देख सकते हैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन राउंड लिखा है मैंने और यहाँ पे 5 पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 के बजाय 0 कर देता हूँ। पहले 0 करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू राउंड किया, राउंड एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो राउंड में करके देता है हमें। अच्छा, यहाँ पे 0.76 है तो इसका मतलब है कि ये आगे बढ़ा देगा। अगर 0 लिखते हैं तो आगे बढ़ाएगा तो ये 5.76 जो है 6 बन जाएगा। तो एक बार इसको चलाते हैं और चलाने के दौरान ही इसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर इसे पहले चला लेते हैं और चलाने के बाद इसे किसी भी नाम से सेव करके एंटर करते हैं यहाँ पर। और एंटर करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे 6 ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर हम 2 लिख दें। ठीक है, तो 2 लिखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि 2 लिखने पर क्या होता है। तो यहाँ से 2 लिखा हमने, तो जैसे ही 2 लिखेंगे तो ये 2 पॉइंट तक राउंड करेगा। ठीक है, यानी 5.77 ये कर देगा, 765 है तो इसे 5.77 बना देगा, 2 पॉइंट तक राउंड करने का यही मतलब है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, अगर यही नंबर इस तरीके से हो जाए, जरा देखिएगा यहां पर मैं क्या करता हूँ, 5.4 कर देता हूँ। तो ये 5.4 कर दिया और इसको अगर 0 अंक तक यहां से हम राउंड करवाएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे 5 ही प्रिंट हो रहा है, यानी पीछे लेके जा रहा है। तो इस तरीके से ये प्री डिफाइंड फंक्शन राउंड काम करता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन।